बचपन की वैसे तो बहुत सारी यादें हैं जो ताज़ा हैं और ताज़ा होती रहती हैं। कौन सी बताऊं? हाँ, मेरा जब गाना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके गाना वगैरह शुरू हुआ, और जब मैं कलकत्ते आया, जहाँ आके मेरी मेन तालीम शुरू हुई मेरे दोनों मामा से, जी उस्ताद मशकूर अली खान साहब और उस्ताद मुबारक अली खान साहब से, और फिर यहाँ के जो मैंने वातावरण देखा आईटी से सारे का, कि हर घर में से तानपुरे की सुबह में आवाज आ रही है, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो उससे बड़ा एक क्या बोलते हैं ना, कि इंस्पिरेशन, उस चीज से बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था। तो मैं वही बोल सकता हूँ कि वही मेरी बहुत मतलब शुरुआती जो यादें रहती हैं
गाना शुरू करने के टाइम पे वो बहुत खास है, क्योंकि यहाँ का एकदम माहौल माहौल इसी तरीके से था कि सुबह में मैं उठता था तो हर घर से तानपुरी की आवाज आ रही है, कोई रियाज कर रहे हैं, कोई तबला बजा रहे हैं और अपने मतलब काम में लगे रहते थे सुबह सुबह, तो उससे बड़ा मुझे इंस्पिरेशन मिलता था कि वाह क्या बात है, चलो मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर लेता हूँ तानपुरा पकड़ के रियाज करने की। हाँ मुझे याद है वो ITCSRA का फेस्टिवल था शायद, उससे मिल के ना शायद, शायद मैं जहाँ अगर मुझे थोड़ा सा, हाँ SRA का फेस्टिवल था वो, और उसमें बहुत सारे बहुत हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, पंडित रामाश्रय झा जी भी बैठे हुए थे शायद आपको ध्यान हो उसमें, और उस प्रोग्राम का एक मुझे किस्सा ध्यान है, क्योंकि जैसे आजकल एक हमारे यहाँ स्टाइल बन गया हमारे शास्त्रीय संगीत के अंदर के, जहाँ एक राग खत्म हुआ और फौरन लोग कुछ लाइट गाने की फरमाइश करते हैं, तो वहां भी ऐसा ही हुआ था कि जब वो पूरिया कल्याण खत्म हुआ तो ऑडियंस में से किसी ने कहा कि भाई अब जरा सा कुछ लाइट वगैरह सुनाओ, तो पंडित जी गुस्सा हुए थे उनके ऊपर, मुझे ध्यान है, और बहुत बुरे तरीके से गुस्सा हो गए थे, बहुत बुरे तरीके से उनको डांट दिया था उन्होंने। हाँ मुझे उतनी डांट वगैरह नहीं पड़ी, मतलब पड़ी है ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं पड़ी है, लेकिन जरा सा असल में जो अच्छे उस्ताद होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं उनकी वो समझ में आ जाता है कि भाई शागिर्द में कब ढीलापना आ रहा है, या वो कब जरा सा थोड़ा सा लेजीपन उसमें आ रहा है, या रियाज से भटक रहा है, या रियाज नहीं कर रहा है, और अदरवाइज अगर रियाज वगैरह होता रहे और अपना काम से लगा रहे तो डांटने की जरूरत नहीं होती, तो मुझे शौक वैसे था रियाज वगैरह मैं करता था, और जब उन्हें लगता था कि नहीं जरा सा ये भटक रहा है रियाज कम कर रहा है तो डांटते भी थे, और वो जरूरी भी है, वो हमारे लिए आशीर्वाद के तौर पे होती है, अभी तो अगर आप किसी को डांट देंगे तो वो शायद डांट लेके दूसरे दिन घर पे दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन हम तो अभी भी हमारे उस्ताद से डांट खाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उससे तरक्की होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा अर्शद भाई, आपने बीच में जिक्र किया उस्ताद मशकूर अली खां साहब का, मुबारक अली खां साहब का, वैसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम जब मैं मेरे उस्ताद जी का देखता था तो वो बहुत मेरे मतलब तो दिल दिमाग पे बहुत ज्यादा उस चीज का असर होता था, अभी भी देखता हूँ, अभी भी जो उनसे सुनने को मिलता है मुझे शायद बहुत कम ही कलाकार उन लोगों से सुनने को मिलता होगा, वैसा तो मुझे किसी से भी सुनने को नहीं मिलता, या जो तालीम या जो एक सीखने की जो चीज रहती है, तो मेरे मामा का मैंने जब यहाँ कलकत्ता आया था तो एक सॉल्ट लेक में एक प्रोग्राम उनका हुआ था जिसमें वो पूरिया गाए थे, तो वो मुझे अभी भी ध्यान है, वैसे तो बहुत सारे कॉन्सर्ट ध्यान है लेकिन वो पूरिया मुझे अभी भी ध्यान है उनका, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो। और 6-7 साल की उम्र थी आपकी जब ITC स्कॉलर के तौर पर आपको चुना गया। जी देखिए क्या है कि भटकने का तो सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे नाना मेरे दादा नाना और मेरे मामा और उनके भी अगर हम और पीछे चले जाएं तो कितनी पीढ़ी से गाना बजाना हो रहा है, तो भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं था, तो हमें तो ये बताया गया था और अभी भी गया यही जाता है कि भाई तुम्हें तो करना है इस चीज को, अब प्रोग्राम मिले या ना मिले या बहुत नाम हो या ना हो इस चीज, ये क्योंकि ये तो खानदान का हमारे काम है, तो इसको तो हमें किसी भी हालत में करना है और इसमें लगे रहना है, कोशिश करनी, बाकी तो सब मैं समझता हूँ कि सब अल्लाह के हाथ में रहता है, सभी उसके हाथ में है, लेकिन बंदे से जितना हो सकता है
वो कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, तो वही मैं कोशिश करता हूँ। तो भटकने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं अल्लाह के करम से, तो जब भी उनको कुछ ऐसा भटकने वाली चीज लगेगी तो वो जरूर एक पीठ पे मार देंगे। क्या याद आता है उस दिन का? जी, उस दिन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, और मैं जब भी उस फेस्टिवल में गाने के लिए जाता हूँ तो ताज़ा हो जाती हैं वो सब यादें। क्योंकि सबसे पहले मुझे महाराष्ट्र के अंदर पंडित जी ने इंट्रोड्यूस किया था, पंडित भीमसेन जोशी जी ने, तो उसी फेस्टिवल से मैं मतलब वहाँ, उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र वगैरह में मैं गाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बुलाया था मुझे गाने के लिए, और अपने हाथ से मिला के तानपुरी दिए थे, और बहुत उनसे आशीर्वाद मिला, वो बहुत प्यार करते थे। तो मेरी खुशकिस्मती है मैं सोचता हूँ, क्योंकि उतनी उम्र में शायद कोई नहीं गाया था उस उम्र में, सबसे छोटा मैं ही था उस उम्र में गाने वाला। जी, हाँ, बंबई में गया था मैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज में। बहुत प्यार करते थे, उनसे बहुत मुझे प्यार मिला। जब मैं फर्स्ट टाइम गया गाने के लिए, तब का मैं किस्सा आपको बताता हूँ। नहीं, वैसे तो बहुत सारे किस्से, लेकिन एक बहुत सारा किस्सा आपको बता रहा हूँ, मिस हो जाएगा। जब पंडित जी को भारत रत्न मिला था, तो उस साल में मेरा गाना था सवाई गंधर्व में, सवाई गंधर्व कॉन्फ्रेंस में। तो मैं जब गाने के लिए गया तो उनकी बहुत तबीयत वगैरह खराब थी उस टाइम पे, तो एकदम से प्रोग्राम के बाद में वो एकदम एक गाड़ी आई और पंडित जी उसमें बैठे हुए थे, तो सब लोग उनसे मिलने के लिए गए, और हमारे बड़े भाई श्रीनिवास भाई वो मुझे कहने लगे कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई वहाँ और उसमें पंडाल में कि वो मिलने की जगह नहीं मिली, तो कहने लगे कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, और उन्होंने मुझे साइड से गाड़ी के अंदर बिठा दिया ले जाकर, श्रीनिवास भाई ने। तो मैंने उनको प्रणाम वगैरह किया और उनको का मुबारकबाद दी अवार्ड की, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, कहने लगे कि बेटा एक ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है, ये अवार्ड किराने घराने को मिला है, और किराने घराने के बुजुर्गों को मिला है। तो वो बात मुझे अभी भी ध्यान है कि इतनी अच्छी उन्होंने बात की, क्योंकि उस टाइम उनकी कंडीशन वगैरह बहुत खराब थी, वो मतलब कुछ ध्यान उनको नहीं आ रहा था और बहुत तबीयत वगैरह खराब थी, लेकिन उस टाइम भी उन्होंने इतनी अच्छी बात कही जो सीखने लायक है। क्योंकि हमें जो भी अचीवमेंट मिलते हैं या जो भी हमें इज्जत मिलती है, वो सब बुजुर्गों की होती है, हमारा उसमें कुछ नहीं होता योगदान। बहुत सारे हैं। प्लीज बहुत बताइए। सारे हैं। जब मैं पहली दफे गया गाने के लिए सवाई में, तो उन्होंने अपने हाथ से तानपुरे मुझे मिला के दिए, और सुबह के टाइम, क्योंकि वो शायद होल नाइट, उस टाइम पे होल नाइट प्रोग्राम था, तो सुबह के टाइम में हमारे मामा का प्रोग्राम तो मैं ग्रीन रूम में बैठा हुआ था, तो ग्रीन रूम में आके कहने लगे कि भाई ऐसा है कि खान साहब अभी तो जरा सुबह का टाइम हो गया है, क्या खाओगे नाश्ते में? तो मैं जरा सा शर्माया कि अभी क्या खाऊंगा, कहने के दूध वगैरह मंगाऊं तुम्हारे लिए? तो ऐसे छोटे छोटे वो जोक जोक वगैरह मारते रहते, कहने के दूध दूध मंगाऊं तुम्हारे लिए, नाश्ता वगैरह करोगे? कह जी नहीं, अभी अभी कुछ नहीं डाल। जी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ इस मामले में, और मैं अपने आप को खुशनसीब इसलिए भी मानता हूँ कि इतने बड़े परिवार में, इतने बड़े खानदान में मेरा जन्म हुआ, कि जहाँ उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, और किराने के और इतने लोग, सभी बुजुर्ग, उन लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन है शास्त्रीय संगीत को,
बहुत कंट्रीब्यूशन, उस्ताद बुंदेली खान साहब और उनसे और पहले लोग, मेरे मेरे उस्ताद जी उस्ताद मशकूर अली खान साहब, उस्ताद नियाज अहमद खान साहब, फैयाज अहमद खान साहब, भीम सिंह जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, और भी जितने भी किराने से जो जुड़े हुए हैं या किराने के जितने भी बुजुर्ग हैं, सभी लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब किसी एक, मेरे नाना उस्ताद शकुर खान साहब जो जिनको पद्मश्री सबसे पहले सरंगी वादक में मिला और संगीत नाटक अकेडमी में, तो किसी के बारे में भी अगर कहूं तो मतलब एक पूरा टाइम चला जाएगा बोलने के लिए उनकी तारीफों के बारे में या उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो उसमें मेरा जन्म हुआ, तो इससे बड़ी और खुशकिस्मती की और क्या बात हो सकती है। ये बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है और सभी लोगों को ये नहीं होता। वागा देखिए, ये शायद बोलना उचित नहीं रहेगा लेकिन ये बताना भी बहुत जरूरी है। अभी जैसे आपने बताया कि काफी चीजें बहुत एकदम मिक्स हो गई, अभी बहुत कम लोगों को आपको आपको गाना बजाना से सुन के आपको लगेगा कि हाँ ये उस पद्धति में है, किराने का है या ग्वालियर का है, क्योंकि अभी जरा सा टाइम आगे चला गया
और काफी चीजें चेंज हो गई, तो वो काफी चीजें मिक्स हो गई। लेकिन जो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो घराने की जो एक पहचान है या जो छाप है वो रहनी बहुत जरूरी है। बाकी तो सभी लोगों का एक माइंड अलग रहता है, सभी लोगों की एक सोच अलग रहती है, उस हिसाब से जब वो लोग आगे उस गाने बजाने को लेके जाते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन भी उन लोगों का होता है देने वाला, वो भी कंट्रीब्यूशन भी होता है। लेकिन वो छाप या पहचान एक जरूरी है जो कि अभी मतलब कमी होती है, वो काफी मिक्स हो गया सब, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी एक और चीज हो गई कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग सोचे गाना कुछ नहीं है, नहीं छोड़ दो गाने में रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। घराना एक माँ बाप की तरह रहता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर आप बड़े हो जाए तो आप माँ बाप को छोड़ देते हैं क्या? माँ बाप के साथ रह के आप आगे चलते हैं अपनी जिंदगी में, उसको छोड़ के कुछ नहीं होता। तो लेकिन अभी जरा सा टाइम चेंज हो गया, लोगों की सोच जरा सी बदल गई, लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। अभी जो 20 साल जिसने गाना बजाना सीखा है, या आपने अगर 30 साल भी मेहनत करी है गाना बजाना सीखा है, और कोई 2 साल भी सीख के आपके बराबर ही है, तो अभी टाइम ये भी जो आपने डेडिकेशन से 20 साल सीखा है गाना बजाना, या कोशिश करी है, इतना नाम का है, कोशिश कर रहे हैं आप, तो 2 साल सीखे है या ना सीखे आपके बराबर हो जाता है। तो काफी चेंजेस इसके अंदर आ गए हैं और अभी भी मैं देख ही रहा हूँ कि आ रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से ठीक होगा, ये तो मुझे मालूम नहीं। वो आता ही है और वो आना भी जरूरी है, क्योंकि क्या है कि अगर इस उम्र में मैं 10 साल की उम्र का गाना जो मैं गाता था या 12 साल की उम्र में गाता था गाना, अगर वो गाऊंगा तो लोग सिवाय अंडे टमाटर के मुझे कुछ नहीं मारेंगे, और वो करके कोई मतलब भी नहीं होता, वो करके कोई मतलब नहीं होता। उसमें तरक्की होनी चाहिए, उसमें सोच बढ़नी चाहिए, और वो सब सीखने से ही होती है। जब हम उस्ताद के पास में सीखते हैं, वही हमको बताते हैं कि भाई अभी इसमें और क्या क्या करना है, या और में जरूरी है देखो ऐसे अगर रियाज में कोई कमी हो रही है तो उसको रियाज से ठीक करो। तो वो सब हमारे जो एक्सपर्ट रहते हैं, जो एक्सपर्ट रहते हैं वो हमारे वही बता। और बाकी रिकॉर्ड तो ऐसा है कि मैं अपनी तो कभी सुनता हूँ रिकॉर्डिंग, लेकिन बाकी और काफी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, जैसे इंस्ट्रूमेंट की हुई, पुराने बुजुर्गों की हुई, मेरे उस्ताद जी की हुई, वो सब मैं ज्यादा सुनता हूँ, अपनी थोड़ी सी कमी सुनता हूँ। नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट ही है। और मैं मतलब क्या कहूँ, मेरी कुछ हिम्मत नहीं कहने के लिए इस बारे में, क्योंकि उनके गाने को तो हम सभी बहुत पसंद करते हैं, उन राशिद अंकल को तो हम सभी बहुत प्यार करते हैं और उनके गाने को पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं सभी लोग, तो कोई इसमें कोई दोराय नहीं है। और मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मत है कि अगर मतलब लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन काफी डिफरेंसेस है क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, तो काफी डिफरेंसेस हैं उसमें गाने में, और बहुत सारी चीजों में काफी डिफरेंसेस, मैं तो काफी छोटा हूँ।
देखिए, सभी जो कलाकार बताते हैं तो हमारी अच्छाई के लिए बताते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो सभी हमारी अच्छाई के लिए बताते हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा मेरे जो उस्ताद हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनकी बात की मैं ज्यादा महत्व देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं सुनने के लिए, बहुत तारीफ करते हैं कि भाई बहुत अच्छा हो गया प्रोग्राम, और बहुत बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे सही चीज जो बताते हैं वो हमारे उस्ताद बताते हैं हमें, क्योंकि ऑडियंस में जितने लोग बैठे हुए हैं या आते हैं सुनने के लिए, तो सभी तो ये नहीं बोलेंगे कि तुमने बहुत बुरा गाया, या आज प्रोग्राम जमा नहीं, प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ। सभी लोग, मतलब ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड बना हुआ है कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन हम लोग जाके बोलेंगे कि बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। लेकिन जो सही चीज है वो हमारे उस्ताद बता देंगे, भाई आज प्रोग्राम ठीक नहीं हुआ, या शायद आवाज ठीक नहीं थी, या रियाज में कोई कमी है। तो मैं उनकी ज्यादा बात को महत्व देता हूँ। जो उन्होंने बताया, अंकल ने, वो एकदम सही बताया, ऐसा ही है असल में। इसमें कोई और कोई बात ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि ये एकदम जो उन्होंने बताया एकदम सही बताया असल में। देखिए, टाइम पे निर्भर करता है बहुत बहुत सारी चीजें। टाइम कितना टाइम है परफॉर्मेंस के लिए, अगर 3 मिनट है तो फिर वो उस हिसाब से उसको थोड़ा सा काट पीट के छोटा करना पड़ेगा। और अगर कहीं 1 घंटा है या 15 मिनट है या आधा घंटा है, तो उस हिसाब से वो काट पीट के उसको जरा सा ठीक करना पड़ता है, एडिट वगैरह करके, या वो सोच 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 विचार करके। तो सभी कलाकारों का इसी तरीके से, जितना टाइम दिया जाएगा उसी हिसाब से गाना बजाना होगा। 3 मिनट में भी काफी कुछ हो सकता है। पहले के हम जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, कितने बड़े बड़े कलाकारों के, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब के, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के, या बहुत और बुजुर्गों के, तो उन्होंने 2-3 मिनट के अंदर ही बहुत कमाल गाया है, 2-3 मिनट में बहुत कमाल कर रखा है। तो टाइम के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको करना पड़ता है टाइम के हिसाब से। मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करता, वो सब अपने आप हो जाता है। मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूंगा कि ये नहीं बताऊंगा कि मैं बहुत सोच विचार करता हूँ, मैं बहुत कहीं तलवार चला देता हूँ जाके, लेकिन मैं कुछ प्लान नहीं करता, क्योंकि गाना बजाना तो हम नहीं करते, वही वो ऊपर वाला कराता है। अब जैसा वो करा दे टाइम पे, अगर उसकी मर्जी होगी या इच्छा होगी तो गाना बहुत अच्छा हो जाएगा उस दिन। उसकी अगर इच्छा नहीं होगी तो शायद गाना उतना नहीं अच्छा होगा उस दिन। तो मैं ऐसे कुछ खास कुछ प्लान नहीं करता, क्योंकि मैं जिस दिन, ये भी मैं बताता चलूँ आपको, कि मैं जिस दिन कुछ ज्यादा प्लान करता हूँ वो सब पूरा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे, मेरे से पहले कोई कलाकार रहते हैं या मेरे बाद में कोई कलाकार रहते हैं और बीच में मैं हूँ, मैं कोई राग सोच के जाता हूँ और वो पहले जाता है। तो मैं इसलिए कोई डिसाइड नहीं करता, तब से जो होता है वो ऑन स्पॉट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।